हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने किया कार्यभार ग्रहण, पुलिस प्रशासन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। पाली जिला नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर पाली शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगे थाना प्रभारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में आईपीएस अधिकारियों की जारी की गई तबादला सूची में गंगानगर के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत को पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के स्थान पर पाली नियुक्त किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनकी अगवानी की गई। पुलिस प्रशासन और जिले के आला अधिकारियों मीडिया द्वारा गर्मजोशी से स्वागत कर नए पुलिस अधीक्षक का बहुमान किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली बीके सोनी, पुलिस उप अधीक्षक शहर निशांत भारद्वाज, पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण संत सरवान दास सहित पाली शहर के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।